See, osteoporosis doesn't need a reversal. Osteoporosis means that your body is not absorbing things properly. ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? आपकी हड्डियां जो है उसमें उसमें ब्रिटलनेस आ गया, इसमें डेंसिटी कम हो गई। आपका शरीर जो ऑस्टियोसाइट्स हैं या फिर ऑस्टियोब्लास्ट हैं, नाम कुछ भी रख लीजिए, वो बना नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास वो सोख नहीं पा रहे, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे चीजों। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट यू टू एक्चुअली सी, एक भी इंसान, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज बीन बेनिफिटेड बाय टेकिंग इन कैल्शियम। कैल्शियम लेके किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट इफ यू टेक कैल्शियम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेस बाय 200%। सो अभी करना क्या है? सो आई ऑलवेज से दिस, वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन योर ओन सेंस एंड लैंग्वेज। आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा चीजों को ठीक से, एब्जॉर्प्शन वीक है। एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा। मगर एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएंगे? नाउ द रियल क्वेश्चन इज, हाउ डू यू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन? सो हैव यू एवर ड्रैंक फ्रूट जूस और एनी कोला थ्रू अ स्ट्रॉ? एक स्ट्रॉ से पिया है आपने, कोई चीज खींचा है? पिया तो होगा ना पक्का, खींचा तो होगा ना। आपके आपने आपके खींचने की क्षमता कम हो गई है। एब्जॉर्प्शन मीन्स वॉट? एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? आप नहीं खींच पा रहे, आपका शरीर नहीं खींच पा रहा, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, आप ही है। खींचने के लिए क्या चाहिए? खींचने के लिए क्या चाहिए? तो एक काम करें, कभी कभी मियां बीबी थोड़ा खेल लिया करो ना गेम, एक रस्सी ले लो और खींचो एक दूसरे को। देखिए आप जब खींचने का जोर लगाते हैं, व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू विद इन योरसेल्फ? अपने अंदर झांकी, अपने अंदर देखिए आप क्या कर रहे हैं खींचने के लिए। क्या आप सांस रोकते हैं खींचने के लिए? डू यू होल्ड योर ब्रेथ टू पुल थिंग्स मोर? ट्राई करके देखो, नहीं तो हाथ को ऐसे फंसा लो और अपोजिट पुल करो, अपोजिट पुल कीजिए, एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए, कम से कम पता चलेगा आपको। खींचिए जरा, क्या आप सांस रोकते हैं जोर लगाने के लिए, खींचने के लिए रोकते हैं ना? तो क्या क्षमता कमजोर हो गई आपके शरीर के अंदर? आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई, एब्जॉर्प्शन तभी कम हो गया। कुंभक कमजोर हो गया तो एब्जॉर्प्शन कमजोर हो गया, तो कुंभक कर लीजिए, एब्जॉर्प्शन ठीक हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा। इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है। ठीक है, वो तो आप कितने भी बड़े बड़े वर्ड बोलते जाइए, किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होता। नामकरण संस्कार तो हम भी कर लेंगे साहब, ऐसे ऐसे नाम रख लेंगे। संस्कृत में नाम रख लो, या ऐसे संथाली में नाम रख लो, कभी कोई बोल ही नहीं पाएगा। इससे इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, टंग ट्विस्टर से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। तो आपको जो शब्द बताए जा रहे हैं ना, उस इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मालूम है कि ये क्या है। आपको जरूर मालूम है, आप जरूर इंटेलिजेंट है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और बड़ी आसानी से ये ठीक हो जाता है।